नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 कच्चे आलू से 100 से भी ज्यादा पापड़ बनाने की ऐसी विधि जिसको देखने के बाद आप पापड़ बिना बनाए रह नहीं पाएंगे। पापड़ बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार होगा और सालों चलेगा, बिल्कुल भी ना काला पड़ेगा ना ही ये खराब होगा। यदि आपको भी बनाना है आलू के पापड़ तो दोस्तों वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए और एक बार में ही आप पापड़ बना के 100-200 रख लीजिए और पूरे साल एंजॉय कीजिए। बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा खस्ता और सफेद जैसा जैसा दूध के जैसे सफेद पापड़ आज मैं बना के आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं 3 आलू ली हूँ। आलू का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसका जो है पापड़ यदि 3 आलू से बनाती हूँ तो बहुत ज्यादा बनके तैयार होगा। तो आप देख लेंगे कि आपको कितना आलू का पापड़ बनाना है। जहां पर पापड़ डालेंगे सुखाने के लिए वहां पर जगह ज्यादा है तो आप 3 बड़े साइज का आलू ले सकते हैं, नहीं तो इसे छोटे साइज का 3 आलू ले सकते हैं। दोस्तों आलू को सबसे पहले पानी में डालना बहुत जरूरी होता है ये वाले पापड़ बनाने के लिए। तो 3 आलू को डाल देती हूँ पानी के अंदर। कहीं से भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। खासकर पापड़ की रेसिपी यदि आधा अधूरा देखते हैं तो अच्छा नहीं बनने का ये रहता है कि अच्छा से नहीं देखा गया है वीडियो में, तो कुछ समझ से बाहर हो जाता है, कुछ समझने में कुछ दिक्कत हो जाएगा ना दोस्तों, तो हो सकता है पापड़ आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो पानी में इसको डाल दी हूँ और ये नॉर्मल पानी है, कोई ठंडा पानी नहीं है। ठंडा पानी का भी इस्तेमाल इसमें करना है लेकिन अभी नहीं। पानी में डालने के बाद आलूओं को थोड़ा देर के लिए आप चाहें तो छोड़ दें, जिससे कि आलू बहुत अच्छा से टाइट हो जाए। अभी क्या करेंगे, आलू का छिलका हमें हटा लेना है। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, इससे हमें पता चल पाएगा कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ कहाँ से हमारे नए नए दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमें सारे आलुओं को अच्छे से छील के और ले लेना है। और आलू को छीलने के बाद भी इसे पानी में ही डालना है, जैसा कि आलू का आप जानते ही हैं कि यदि इसको छील के पानी में ना रखा जाए तो फिर ये जो है काला हो जाता है बहुत जल्दी। तो 2 ही आलू छीलूंगी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा आलू है तो इसका पापड़ बहुत ज्यादा बनके तैयार होगा। तो अभी क्या करेंगे, आलूओं को निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में और इसमें डालेंगे दूसरा पानी। आलू को 3 से 4 बार इसी तरीके से हमें साफ करके और ले लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा आलू जो है बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और इसका जो आप पापड़ बनाएंगे तो सफेद सफेद सा बनेगा। इसके अंदर डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स यानी बर्फ के टुकड़े। आप इसके जगह पे ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी में भी आलू को डाल के छोड़ सकते हैं कुछ मिनट के लिए, जिससे कि आलू बहुत अच्छा सफेद होगा। जब आप बर्फ के टुकड़े डाल के आलू को डालते हैं ना दोस्तों, तो इसका पापड़ बहुत ही गजब का टेस्टी बनता है, हल्का बनता है और कलर भी एकदम से व्हाइट रहता है। तो अभी क्या करेंगे, आलू को कट करेंगे। तो इसी वाले पानी के अंदर हमें आलू को काटना है। मैं आपको बताती हूँ कि आलू को हमें किस तरीके से कट करना है। इस तरीके से पतला पतला स्लाइस करेंगे, फिर इधर से इसको घुमाएंगे जिससे आलू हमारा एकदम बारीक कटे। और दोस्तों इसके अंदर ही हमें आलू को इस तरीके से कट करते हुए और पानी के अंदर ही डालते जाना है, इसको बिल्कुल भी पानी से बाहर नहीं करना है। आपको और भी पापड़ की रेसिपी चाहिए तो आप YouTube पर सर्च करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मी सहेली पापड़ रेसिपी आप सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो कि मैं पहले बनाकर डाली हुई हूँ, जिसमें उड़द दाल और मूंग दाल, चने दाल सारे चीज के पापड़ हैं। और बनाने का तो इतना आसान तरीका है जो आज से पहले आपने देखा भी नहीं होगा। इसी तरीके से हमें सारे आलूओं को कट कर लेना है। दोस्तों देखिए, आलू का टुकड़ा जितना छोटा रहेगा उतना ही अच्छा आपका पापड़ बनेगा, क्योंकि जितना छोटा आलू का टुकड़ा काटेंगे उतना ही आलू से स्टार्च जो है जो काला कर देता है आलूओं को वो निकल जाएगा पानी में। तो इसके लिए आपको इसको छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लेना है। तो ये पानी काफी ठंडा है, इसमें थोड़ा सा पानी और भर देती हूँ, जिससे इतना ही पानी में हमारा आलू जो है अच्छे से साफ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो आलू है बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। अब क्या करेंगे, आलू को इसी तरीके से अभी रहने देंगे।
अभी ना ही इसको पीसेंगे ना ही कुछ करेंगे, क्योंकि आज का तरीका और भी ज्यादा आसान और नया है। कुछ देर आप छोड़ेंगे तो देखिए इसका जो पानी है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा देर यानी 5 मिनट के बाद ये वाले पानी को हमें एक बार फिर से बदल लेना है। जब आलू चिप्स के लिए आप काटे होंगे या पापड़ के लिए आप काटे होंगे तो ध्यान दिए होंगे दोस्तों कि आलू काट के रखने के बाद इसके अंदर जो है स्टार्च सा जम जाता है, उसका भी बहुत टेस्टी पापड़ बनता है। देखिए इस तरीके से धोएंगे तो इसका पूरा जो स्टार्च है वो निकल जाएगा और आलू का पापड़ हमारा बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कोई सा भी बर्तन चूल्हा पे चढ़ा सकते हैं और इसमें डालेंगे 2 कप के जितना पानी, थोड़ा सा नमक अभी इसमें डालेंगे और पानी को अच्छे से एक बार गर्म होने देना है। तो देखिए यहाँ पर पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे सारे आलुओं को। आलू को हमें कितना देर उबालना है आगे आपको बताती हूँ। पहले इसमें अच्छा एक उबाल आने तक हमें आलू में ढक्कन लगा देना है। गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा जिससे कि पानी जल्दी उबल जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है पानी में बहुत अच्छा उबाल आ चुका है। अब एक बार आलू को हल्का सा मिक्स करेंगे। आलूओं को हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, आलू के पानी में जो है बहुत अच्छा एक तेज उबाल आने तक ही हमें पकाना है। जितना हम लोग चिप्स को पकाते हैं बिल्कुल उतना ही आलू को पकाना है। आपको चेक करके बताती हूँ। इस तरीके से जब आलू में आप कट लगाएंगे तो देखिए जैसे आलू का चिप्स हम लोग पकाते हैं, हल्का सा सॉफ्ट होता है, बस इतना ही पकाना है। अभी आलू को निकाल लेंगे छन्नी पर, पानी से इसको अलग करेंगे। तो देखिए पानी, गर्म पानी से आलू को अच्छे से छान ली हो। अब हमें आलू को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा होगा तभी इसका पापड़ बनाएंगे। तो ये जो आलू वाला पानी बचा हुआ है इसके ऊपर ही छन्नी को इस तरीके से डिप कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आलू हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। ठंडा पानी में डालने से अच्छे से इसको ठंडा करना है, क्योंकि आलू को पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे। इसे ठंडा हो चुका है देखिए। तो यहाँ पर लेना है छोटा वाला जार और छोटा वाला जार में हमें सारे आलूओं को डाल देना है। का सब पानी डालेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालिएगा क्योंकि आलू के अंदर खुद का पानी होता है। ये उबला हुआ आलू है, इसके लिए इसमें थोड़ा सा हमें पानी जरूर डालना है। और इसका एकदम से बारीक सा हमें चिकना सा पीस के इसका पेस्ट तैयार करना है। बहुत अच्छे से पीसिएगा आलू को। तो देखिए यहाँ पर आलू को बहुत अच्छे से पीस ली हूँ और आलू को पीसने में थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल और करना पड़ा था। देखिए आलू का जो, तो अभी क्या करेंगे, लेना है छन्नी जिसमें कि आलू को अच्छे से छान के निकालेंगे। जो नहीं पीसा होगा वो निकल जाएगा। तो कोई भी कप में आप आलू के पेस्ट को डाल के नाप लीजिए जिससे इसमें पानी कितना जाएगा उसका हमें सही मात्रा पता होना चाहिए। तो देखिए 2 कप में थोड़ा सा कम, इतना ही के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। तो पहले अच्छे से इसका पेस्ट जो है निकाल लेती हूँ और जो मोटा टुकड़ा रह गया होगा उसको बाद में फिर से यूज करेंगे। 2 कप हमारा आलू का पेस्ट है, अभी इसको साइड में रखेंगे और वापस से वही वाला जार ले लेना है जिसमें कि आलू अभी पीस के आपको दिखाई हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/2 कप हमारा ये साबूदाना है, फूला हुआ साबूदाना, तो इसमें साबूदाना भी डालेंगे। आप चाहें तो कच्चा साबूदाने को भी डाल सकते हैं बारीक सा इसका पाउडर बना के, और फूला हुआ साबूदाना है तो इसके साथ बहुत ही अच्छा जाता है पापड़ में। स्वाद भी बढ़ाएगा, क्रंची भी बनेगा और सफेद भी रहेगा। तो यहाँ पर 1/2 कप साबूदाना डाल देती हूँ। 3 कच्चे आलू से मैं आपको पापड़ बना के दिखा रही हूँ दोस्तों, लेकिन आलू का साइज बड़ा था तो 2 ही आलू का बनाई हूँ। आप 3 मान के चलें क्योंकि आलू बहुत ज्यादा बड़ा था। अब इसको भी पीसेंगे, एकदम बारीक करके पीसेंगे। साबूदाना में 1/2 कप पानी डाल के इसको बहुत अच्छे से बारीक पीस ली हूँ। अब साबूदाने को भी हमें आलू में ही छान के ले लेना है। अब यहाँ पर आलू और साबूदाना का घोल हमें मिल चुका है। 2 कप हमारा आलू का पेस्ट है दोस्तों, उसी के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। और जो साबूदाना पीसी थी तो साबूदाने के हिस्से का पानी इसमें पड़ चुका है, तो सिर्फ हमें आलू का ही इसमें नाप करना है। आप ये भी काम कर सकते हैं, आलू साबूदाना को पीसने के बाद फिर से इसको नाप लीजिए, फिर आपको पानी का अंदाज मिल जाएगा। तो ऐसे मैं बार बार पापड़ बनाते रहती हूँ तो मुझे मालूम है। तो इसमें डालूंगी 2 कप हमारा आलू का पेस्ट है, तो उसके हिसाब से इसमें डालूंगी 3 कप पानी।
ये जो है एकदम मात्रा सही है, इसमें ना ही आपके आलू के पापड़ में बहुत ज्यादा पानी पानी सा होगा, ना ही पानी कम पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये घोल तैयार हो चुका है पापड़ बनने के लिए। चलिए दोस्तों चूल्हे की तरफ, अब इसे डाल लेती हूँ बर्तन में। आप कोई भी भारी तले का बर्तन ले सकते हैं पापड़ के घोल को पकाने के लिए, और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। शुरू में थोड़ा सा आंच को आप तेज रखिए, और जैसे ये घोल गर्म हो तो फिर आंच को आपको मीडियम कर देना है। उसके बाद इसको अच्छे से पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और इसका कच्चापन निकल ना जाए। आलू के घोल को बहुत अच्छे से पकाइएगा, ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। कच्चा रहेगा तो फिर आपके पापड़ जो है टूटेंगे और खाने में भी कड़ा कड़ा सा लगेंगे। दोस्तों इसमें डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। अभी तक इसमें नमक नहीं डाला गया है। पापड़ में नमक बहुत ध्यान से डालना है, बहुत ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका जो स्वाद है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसको पकाने में कम से कम हमें 10 से 12 मिनट तक का समय देना है। तो चलिए दोस्तों अच्छे से इसे पका लेती हूँ, लेकिन लगातार चलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो अंदर में ये जल जाएगा। इसको पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुका है। अब घोल देखिए हल्का हल्का सा गाढ़ा हो गया है, तो इतना ही गाढ़ा हमें रखना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा और भी ज्यादा ये जम जाएगा। तो अभी करना है गैस को बंद और इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है। तो अच्छे से इसको ठंडा कीजिएगा। आपको इसमें कुछ मसाला ऐड करना है तो आप कर सकते हैं मसाला ऐड, और चाहे तो बिना मसाला का भी बना सकते हैं। यदि आपको एकदम से सफेद पापड़ चाहिए तो आप इसमें कुछ मसाला ना डाले, व्रत के लिए भी बना के रख सकते हैं आप इस पापड़ को। तो देखें दोस्तों ये जो घोल है ठंडा होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और ठंडा होने देंगे जिससे कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए इसका पापड़ जब आप बनाए तो बहुत अच्छा इसका शेप आए। पसंद से छोटा बड़ा जैसा चाहते हैं वैसा बना लीजिएगा। पापड़ का घोल डालने के बाद इसको हल्का सा जरूर फैलाइएगा, जिससे क्या होगा कि पापड़ का शेप बिगड़ेगा नहीं, बहुत अच्छा पापड़ बनेगा। यदि आप छोटा छोटा पापड़ बनाते हैं तो 100 पापड़ बनके तैयार होगा। पापड़ का साइज बड़ा बनाएंगे तो थोड़ा सा कम पापड़ बनके तैयार होगा। इसी तरीके से हमें सारे पापड़ को बना लेना है। तो देखिए दोस्तों सारे पापड़ को बना के डाल दी हूँ सूखने के लिए। आप पापड़ को धूप में भी सुखा सकते हैं और पापड़ को पंखे के हवा में भी सुखा सकते हैं। बहुत सारा पापड़ बनके हमारा तैयार हुआ है। तो चलिए जब पापड़ सूखता है फिर मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों पापड़ हमारा सूख के तैयार हो गया है। बहुत सारा पापड़ बना है और पापड़ का कलर आप देख पा रहे हैं कि कितना ही ज्यादा सफेद सफेद सा पापड़ बनके तैयार हुआ है। एक भी पापड़ टूटेगा फटेगा नहीं, तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। इस तरीके से जब हम लोग पापड़ बनाते हैं तो पापड़ का काला होने का बिल्कुल भी चांस नहीं बचता है, हल्का सा पानी में डाल के जैसे आपको बना के दिखाई हो। तो चलिए दोस्तों पापड़ को फ्राई भी करके दिखाती हूँ, आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें पापड़ को डालते हैं। देखिए दोस्तों पापड़ हमारा बहुत ही अच्छा और एकदम से सफेद बनके आया है, आप देख पा रहे हैं। और ये तरीका बहुत अलग है और नया है, इस तरीके से आप जरूर एक बार पापड़ ट्राई कीजिएगा। पापड़ को हल्का सा किनारे में इस तरीके से रखेंगे ना, तो जो इसमें एक्स्ट्रा तेल है वो सारा निकल जाता है और सफेद सफेद हमारा पापड़ बनके तैयार होता है। खाने में बहुत ही ज्यादा खस्ता लगता है। दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।